हेलो एवरीवन, हरे मटर की सब्ज़ी तो हम हमेशा ही बनाते हैं घर पर, लेकिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार है। हरे मटर और मेथी की ऐसी सब्ज़ी जो खाने में एकदम लाजवाब लगती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में भी काफ़ी आसान है। काफ़ी रिच और थिक ग्रेवी इसकी बनती है और बहुत ही हेल्दी होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ माधवी और स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लेंगे 2 टेबलस्पून के लगभग तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज जो मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे हम। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के लगभग लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसकी जगह ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं या फिर 5-6 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें काट कर डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस किए हुए और 10 काजू यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। काजू से जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी रिच ग्रेवी बनेगी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। अब सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे, एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसको 2-3 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद एक बार इसको चला लेते हैं। ये देखिए, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और टमाटर और प्याज जो हमने फ्राई किए हैं इनको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाए तो इसे हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक छोटा वाला ग्राइंडर जार ले लिया है, इसमें सारी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको पीस कर इसका पेस्ट बनाएंगे। जो मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है इसलिए हम ध्यान से करेंगे, या फिर आप इसको थोड़ी देर ठंडा हो जाने दें उसके बाद इसे ग्राइंड करें। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें 2 हरी मिर्च डाल दी मैंने और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और एकदम फाइन सा पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, एकदम फाइन पेस्ट है ये। तो ये प्याज टमाटर काजू और लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। इसको साइड में रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तेल को गर्म होने देंगे, तेल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है सब्ज़ी का, ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे, फ्लेम हम लो रखेंगे इस समय। और अब हम ऐड कर देंगे इसमें मसालों का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था। आप चाहें तो, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें अपने हिसाब से रेड चिली पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो ग्राइंडर जार था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी इसमें डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। प्याज टमाटर वगैरह हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, 2-3 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए, 2-3 मिनट तक ये ग्रेवी हमारी पक चुकी है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करेंगे। फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाए। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो चुके हैं। इसे 2-3 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएँ हमारे। ये देखिए, मसाले पक चुके हैं और ऑयल भी अलग होने लगा है। तो बस मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश मटर। तो यहाँ 1 कप फ्रेश मटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रोज़न मटर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए, करीब 2-3 मिनट के लिए इसे मसालों के साथ ही भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे गर्म पानी। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप गर्म पानी इसमें डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
पानी यहाँ पे मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थिक ग्रेवी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी की मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब लास्ट में इसमें ऐड करना है हमें 2 कटोरी फाइनली चॉप किया हुआ मेथी के पत्ते, मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है। और अब मेथी के पत्तों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मिक्स करते ही ग्रेवी के पत्ते थोड़े थोड़े गल गए हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए इसे ढक देते हैं और 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी जो सब्ज़ी है बिल्कुल तैयार है। मटर भी अच्छे से पक चुके हैं और हमारी जो मेथी है वो भी अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में, इसकी ग्रेवी भी बहुत डिलीशियस बनी है। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी थिक ग्रेवी बनी है। आपको अगर थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब लास्ट में इसमें ऐड करना है 1/2 कप के करीब मलाई। ये जो दूध के ऊपर फ्रेश मलाई जमती है वही मलाई मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सब्ज़ी में। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मलाई डाल दिया है मैंने सब्ज़ी में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्ज़ी के साथ। फ्लेम मैंने लो रखा है, लो फ्लेम पर मलाई को इस तरीके से मिला लेंगे धीरे धीरे। ये देखिए काफ़ी रिच ये ग्रेवी बन जाती है मलाई डालने के बाद और बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो जाती है। तो ये देखिए मलाई को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको ढककर 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस लाजवाब मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी हमारी तैयार है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बनकर तैयार है और टेस्ट में भी काफ़ी डिलीशियस सब्ज़ी बनी है। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार है हमारी सब्ज़ी। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आइए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। चाहें तो लास्ट में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दें ऊपर से। तो ये देखिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। और ये सब्ज़ी जो है ये रोटी पराठे राइस या पुलाव किसी चीज़ के साथ भी आप खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और बड़े तो क्या, बच्चों को भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और साथ में काफ़ी हेल्दी भी है। तो दोस्तों देखा ना आपने कितनी आसान है ये सब्ज़ी बनाने में और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो दोस्तों तैयार है हमारी बढ़िया सी टेस्टी मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो दोस्तों आप ये सब्ज़ी कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।